महिमा काले आप सबका लीव लॉन्ग आयुर्वेद में सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं योग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज मुद्रा। मुद्राएं, मुद्रा ये शब्द संस्कृत के मुद धातु से बना है। मुद यानी जो आनंद देने वाला है उसे हम मुद्राएं कहते हैं। चित्त की जो अवस्थाएं है उसे प्रकट करने वाले विशेष भावों को मुद्राएं कहा गया है। मुद्राएं बहुत प्रकार की होती है। 399 मुद्राएं योग शास्त्र के ग्रंथ में वर्णित की गई है, लेकिन उसमें से कुछ मुद्राएं जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं हम देखेंगे। हमारा जो शरीर है और हमारा जो ब्रह्मांड है वो पंच महाभौतिक कहा गया है, यानी हमारा शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु एंड आकाश, इन पंच महाभूतों से बना है। तो वैसे ही हमारे हैंड के जो फिंगर्स हैं वो एक एक पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट पृथ्वी, रिंग फिंगर, आप, तेज, वायु एंड आकाश, इस प्रकार से इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो इनके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हस्त मुद्राएं बनती है। तो पहले हम देखेंगे पंच प्राण पे आधारित मुद्राएं। पांच जो मुद्राएं है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए ये पोजीशन रहेगी प्राण मुद्रा, उसको हम नीज के ऊपर रखेंगे। हर कोई मुद्रा के लिए मुद्राएं हम नीज के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे एंड इनहेल एक्सहेल। तो प्राण मुद्रा जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाती है। लंग्स के कोई डिजीज हो या फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, उसमें हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। एस्थमा लाइक कंडीशन में प्राण मुद्रा बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाती है। सेकंड है अपान मुद्रा, लाइक दिस। प्रोसीजर सेम है करने की अपान मुद्रा। तो ये अपान मुद्रा जो है वो हमारे गुदा के जो ऑर्गन्स है या फिर फीमेल के योनि के जो ऑर्गन्स है उनको ताकत देती है। सो ये पाइल्स, फिशर, फिशुला, कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारियों में हम प्राणायाम के साथ, आसनों के साथ ये यूज कर सकते हैं। थर्ड इज व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा ये है, व्यान मुद्रा ये हमारे हार्ट के लिए या फिर हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचलन होता है उसे वो ठीक करने के लिए, उसका जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से चलने के लिए व्यान मुद्रा बहुत अच्छी सहायता करती है। नेक्स्ट इज समान मुद्रा। समान मुद्रा पांचों फिंगर्स को मिलाना है एंड उसको नीज के ऊपर रख के फिर से आंखें बंद करके इनहेल एंड एक्सहेल। तो समान मुद्रा जो है वो हमें हमारे डाइजेस्टिव फायर यानी हमारी जो पचन शक्ति है उनको ताकत देती है। पचन शक्ति सुधारने का जो काम है वो समान मुद्रा करती है। हम जो खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होने का काम समान मुद्रा से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अभी ध्यान आया होगा कि हम हिंदू संस्कृति में हम हमारे पांचों उंगलियों से खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये पांच उंगलियां समान मुद्रा कहलाती है। इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी होती है और जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सुधरने में उसका लाभ होता है। नेक्स्ट इज उदान मुद्रा। उदान मुद्रा इस प्रकार से होती है। उदान मुद्रा तो ये मुद्रा जो है वो थ्रोट के ऊपर के जो ऑर्गन से यानी डिजीजे से यानी थायराइड है, हमारे गले के कुछ रोग है, गल रोग हम जिसे बोलते हैं, या फिर हमारे शीर्ष प्रदेश के जो रोग है उसमें ये हमें उसके लिए ये हम सहायता करती है। अच्छे से उसके फंक्शंस जो है वो जो बिगड़ गए हैं वो अच्छे करने के लिए उदान मुद्रा
हमें सहायता करती है। उदाहरण मुद्रा हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए, हमारा जो वर्ण है वो सुधारने के लिए, हमारा जो आवाज है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होने के लिए हम उदाहरण मुद्रा लगा सकते हैं। तो ये थे पंच प्राण से आधारित मुद्राएं। बाकी के मुद्राएं हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इन मुद्राओं का अभ्यास आप प्राणायाम के समय या फिर ध्यान के समय अगर करेंगे तो इसकी इफिकेसी और अच्छे से बढ़ती है और इसके जो लाभ है वो हमें मिल सकते हैं।